चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम मोबाइल में कंप्यूटर का रेसिंग गेम नीड फॉर स्पीड कैसे खेल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसकी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो आपको बता देता हूँ किस साइट से करनी है आपको। तो सबसे पहले आप अपने नेट या वाईफाई जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऑन कीजिए। उसके बाद आपका ब्राउज़र ओपन करके आप कूल रोम डालिए। यहाँ कूल रोम एक पॉपुलर साइट है जिस पर आपको बहुत सारी गेम्स की फाइल मिल जाएगी, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कूल रोम पे हमें कैसे एक्सेस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आप डालिए कूल रोम। अब यहाँ आप PSP टाइप गेम को चुन सकते हैं क्योंकि ये आपके अधिकतर मोबाइलों में चल जाते हैं। अब यहाँ PSP की इसमें आते हैं। अब हमें डाउनलोड करना है जो गेम, उसके लिए इसमें सर्च ऑप्शन भी रहता है और हमारे पास डायरेक्टली फाइंड ऑप्शन भी रहता है कि हम फाइंड कर लें। तो लेटर P के बजाय हम इसमें हम करते हैं अब N। ये देखिए, यहाँ मैं N पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ ही टाइम में यहाँ खुल जाएंगे N से, तो उन गेम का आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें से। नेट कनेक्टिविटी स्लो है इसलिए धीरे हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बस साइट खुली गई है N। अब इसमें हमारा गेम नीड फॉर हमें ढूंढना है, तो N से ही आया। तो अब आप यहाँ पर नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, आपके पास अब इतने सारे ऑप्शन है, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कीजिए। उससे आपको फाइल के लिए लिंक मिल जाएगी। हाँ, आप फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उससे अनजिप कर लीजिए या फिर ऐसा कीजिए। यह है 5.1 नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। अब इसे डाउनलोड कर आप अनजिप कर लीजिए। उसके बाद बाकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले ही डाउनलोड करके और अनजिप भी कर ली है। आप किसी भी फोल्डर में डाल लीजिए इसको, पर आप याद ज़रूर रखिए आपने किस में डाला है। अब इसके बाद आपको दूसरी चीज़ चाहिए होगी PPSSPP। ये हमने गोल्ड वर्जन कर रखा है, पर आपको स्टैंडर्ड वर्जन भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फाइल ये मैंने मेरी SD कार्ड में स्टोर कर रखी है ऑल। यहाँ देखिए, डायरेक्ट नीड फॉर स्पीड यूरोपियन। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसका साइज इतना हो सकता है। अब इसका फॉर्मेट ISO ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐप ओनली ISO वर्जन को ही सपोर्ट करता है। उसके बाद आप ऐप को ओपन कीजिए। ये देखिए, ऐप ओपन हो गया। अब इसमें आप चेक कीजिए कि आपका वो कहाँ है स्टोरेज। इसमें आपको उस ऐप को फ़ोन मेमोरी में ही डालना होगा, उसी के बाद आपका ये सर्च हो पाएगा। तो मैं उसको फ़ोन मेमोरी में डाल देता हूँ। अब आप उस गेम की डायरेक्टरी में जाइए। यहाँ मैंने ऐप चालू कर लिया है। अब आप ये देखिए, मैं उस गेम की डायरेक्टरी पे जाता हूँ।
मैंने एक ये फाइल सिलेक्ट कर लिया, इसलिए पहले उसे डिसलेक्ट करना होगा ऑल। अब आप ये ओनली गेम पे क्लिक कीजिए, अब एक गेम आपका ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। यहाँ सीधे ऐप में खुल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 5.1। ऐसे आप भाई यार, चलो भाई।